सो हेलो गाइस, वेलकम टू वीवीज योर चैनल। एंड आज हम लोग बात करेंगे थैनोस के बारे में, जो कि हमें अवेंजर्स 5 में दिखाई देगा, जिसको खुद केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया है D23 में। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज पर बात करेंगे कि इफ अगर थैनोस फिर से वापस आ रहा है तो कैंगडी कॉनकरर का क्या होगा। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जी हाँ, थैनोस हमें अवेंजर्स 5 में दिखाई देने वाला है, जिसको खुद केविन फाइगी ने कंफर्म किया है D23 इवेंट में। और तो ये जो थैनोस होने वाला है ना, वो दरअसल हमारे यूनिवर्स का नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स का होने वाला है, जो कि होगा किंग थैनोस। तो अब तो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई अभी तो MCU वालों ने कैंगडी कॉनकरर को इंट्रोड्यूस किया था, तो फिर अब ये थैनोस कहाँ से आ गया। तो दरअसल ये जो थैनोस है ना, वो ओनली एवेंजर्स कैंपस जो होता है ना डिज्नी वालों का, उसके लिए तैयार किया गया है। एंड ये थैनोस हमें कभी भी मेन यूनिवर्स में अपीयर होता हुआ नहीं दिखाई दे। और तो और ये बस एक मल्टीवर्सल वेरिएंट है थैनोस का, जो कि हमें आगे जाकर दिखाई देगा। बट आई विश ये थैनोस अगर हमारी मेन यूनिवर्स में होता ना तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाता, क्योंकि इसका जो लुक है ना वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बैडएस दिखाई दे रहा है। बट क्या पता हमें मेन यूनिवर्स में भी कभी ना कभी थैनोस एक बार फिर से दिखाई दे, और वो भी एज अ विलेन। तो आपको क्या लगता है कि क्या थैनोस का कोई ना कोई वेरिएंट एग्जिस्ट करता है, और क्या वो हमें फ्यूचर में दिखाई देगा भी कि नहीं, प्लीज से कमेंट करके जरूर बताना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग 5,000 सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा करीब है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।